हर प्रायोजक लाइफ बॉय सोप, अब मौसम बदलने का कोई डर नहीं, और डाबर ग्लूकोज डी, बस एक ग्लास हरदम एनर्जी मेरे पास। पी हर, पी हर, पी हर। अरे हम लोगों का जीना मुहाल कर देगी वो। पहले सोनिया को कमरे से बाहर निकाला, लगता है हम सबको कुछ दिनों में घर से बाहर कर देगी। ये बात तुम सही कहो मलकिन, बहुत तेज औरत है, अरे लोमड़ी से भी तेज दिमाग चलत है होकर। जीने में काहे सो रही हो? देखो अभी लुढ़कते लुढ़कते बची तू। माँ मेरे पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं कहाँ जाके सो? बिटिया ऐसे कैसे कह रही हो, हमारा कमरा है ना, चलो चलो हमारा कमरा में सो, चलो। नहीं 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 मामा, आपके रूम में पहले दो लोग हैं, मैं वहां नहीं सो सकती, और ऊपर से पापा, बाप रे बाप, उनकी खर्राटे, उफ, उन खराटों में मैं तो नहीं सो सकती मामा, प्लीज। बेटिया एक बार सो के देख तो लो। नहीं मामा नहीं, एक तो मेरा पहले से दिमाग बहुत खराब है, और पापा की खराटे बहुत इरिटेटिंग है, अगर मैंने उनको कुछ कह दिया। क्या पूरी रात यहाँ जीने में सोती रहोगी बिटिया? अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं रह गया माँ, एक ही तो कमरा था, वो भी हड़प लिया। अब क्या बोले हम, अगर तुम हमारी बात मान लेती ना, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब आपकी कौन सी बात नहीं मानी? ये है, जो काम प्यार से हो सकत है, हमें टेढ़े भाई की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा हम कौन से टेढ़े हुए? और वो शशि भाभी, उसके साथ हमने क्या किया? यही तो बात है ना, अरे एक तो गलती करते हो, ऊपर से मानते भी नहीं हो। सबके पीछे ना तुम और तुम्हारे बापू दोनों जिम्मेदार हैं। माँ आप क्या कहना चाहती हैं? तो क्या हम लोग चुप रहते? नहीं, लेकिन प्यार मोहब्बत से तो काम ले ही सकते थे ना, तब नहीं लिया तो अब भुगतो। तो अब आप ही बता दो कि क्या करें। जाओ जाकर पूछो अपन बापूजी से, बहुत घमंड रहा ना उन्हें अपनी अकल पे और अपनी मूछन पे, सब हेकड़ी जो है ना बुताई गई है। अब तो हम जाते हैं उनके पास, उनके आगे हाथ जोड़ने के लिए, विनती करने के लिए कि जाओ जाकर उन नंदनिया और ससिया के आगे हाथ जोड़ के मनाओ। नहीं माँ, किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर उन लोगों का घमंड है तो हमारा भी तो स्वाभिमान है। अब जाओ। माँ लाइट ऑफ कर देना। खुल गई तुम्हारी आज? मेरी नींद की छोड़िए मामा जी, आप बताइए, आपको तो बहुत अच्छी नींद आई होगी ना, हम सबकी नींद हराम करके। अरे सवेरे सवेरे भगवान की बेला में काहे ताना मार रहे हो, पहले अपने कर्मों की ओर देखो। अच्छा अब आप भी बताइए कि हमारे कर्मों में क्या कमी रह गई है? ये जो तुम्हारी नींद उड़ी है ना, तुम्हारी कर्मों की वजह से, समझे कि नहीं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुमको और तुम्हारे इन बेघर रिश्तेदारों को अगर यहाँ रहना है और सम्मान से रहना है ना, तो पहले इस घर का अनुशासन सीखो और इनको भी सिखाओ। इस घर के सारे अनुशासन तो मेरे लिए ही हैं, और किसी के लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर।
अगर तुम्हारा इशारा शशि और प्रीतम की तरफ है ना, तो ये लकीर पीटना बंद कर दो और जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। क्या क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। यही कि अगर कायदे से रहना है तो रहो, नहीं तो यहाँ से निकालने में देर नहीं लगेगी। फिर जाके सड़क पे रहना, अपने कंगले रिश्तेदारों के साथ भीख मांगना। अजी, आप ये मुझे डरा रहे हैं, समझा रहे हैं? अरे अपने घर के लड़के को, इस घर के वारिस को कोई बेदखल करता है? तुम्हारी यही हेकड़ी तुमको डुबो के रख देगी। अरे तू हमेशा से बेवकूफ रहा है और रहेगा। कभी तूने अपनी बहन इस नंदनी का दिल जीतने की कोशिश की? अरे वो सब कुछ तेरे नाम कर देगी, उसको यहाँ की चीजों से कोई मोह नहीं है। लेकिन एक बार उसका दिल तो जीत। कथा नहीं कर, हमेशा उल्टी सीधी बात करेगा। नंदनी, हमारे सब पर तो आफत ही टूट पड़ी है। क्यों, ऐसी क्या आफत आ गई आप पर? तुम ही बताओ, हम रहेंगे कैसे? रहने में क्या तकलीफ हो रही है आप लोगों को? सोने में इतनी दिक्कत होती है, रात रात भर जाग के आंख में कांटे पड़े थे। ये सब इसे ही चलेगा का? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब सोने में क्या दिक्कत है आपको? अब जब बिटिया हमारी सो नहीं सकता है, तो मेहतारी कैसे सोएगी भला? गलती सोनिया की है, उसे आप लोगों के साथ सो जाना चाहिए था। हम तो समझा रहे उनको, वो तो समझौता करने को भी तैयार है, पर काहे कि एक ही रात में उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। अरे आंखें एकदम फूल गई है उनकी। तो उसे समझौता करना सीख जाना चाहिए। वैसे भी समझौता करके वो हम पे कोई एहसान नहीं करेगी। अगर इस घर में रहना है तो उसे एडजस्ट करना तो सीखना ही होगा। फिर भी तनिक सोचो, एक ही कोठरी में चार जन कैसे रह पाएंगे? देखिए, वो आपकी समस्या है, इसके बारे में आप जानिए, आपकी बेटी जानिए। मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, हम तो उनका परेशान नहीं कर रहे हैं, हम तो बस यही सोच के परेशान हो रहे हैं कि कहीं हमारी बिटिया बीमार ना पड़ जाए। आपकी बिटिया बिल्कुल बीमार नहीं होगी, आप इस बात की चिंता तो छोड़ ही दीजिए। क्योंकि जिसको नींद आती है ना, वो कहीं भी सो जाता है, बिस्तर का चुनाव नहीं करता। फिर भी एगो कमरा और मिल जाता तो? नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, घर में कोई दूसरा कमरा खाली है ही नहीं। अब आप लोग इसमें एडजस्ट करना सीख जाइए और अपनी बेटी को भी समझा दीजिए। अगर यहाँ रहना है तो एक ही कमरे में रहना होगा, वरना जाइए। हाँ, हम उनको सब समझा देंगे, बस एक ही बात कहना चाहते थे, वो एक कमरा और। उफ़ो, बार बार आप कमरे की बात लेकर बैठ गई। अच्छा देखिए, अगर आपको वो कमरा चाहिए ना, तो जिसका वो कमरा है उनसे बात कीजिए। अगर वो मान जाती है तो कमरा आपका, नहीं तो मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। क्या हो गया, किधर देखो तुम? क्या हो गया, तुम रात को भी अकेली खड़ी थी और अब भी बिल्कुल अकेली खड़ी हो? अब जिंदगी में अकेला पर लिखा हूँ तो अकेली खड़ी होगी ना। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और तुम प्लीज रोना धोना बंद करो। तुम मेरे साथ नहीं हो, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तुम मेरे साथ बिल्कुल नहीं हो सागर। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो सोनिया? मैं तो तुम्हारे साथ जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूँ। इसी बात का तो रोना है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली। किसी गरीब आदमी के साथ शादी कर दी तो कम से कम एक झोपड़ा तो होता कि मैं इधर से अपना सर छुपा सकती। ये क्या बोल रही हो तुम? इतना बड़ा घर किसका है? ये भी तो हमारा अपना ही है। ये हमारा घर नहीं है। अगर ये हमारा घर होता तो उस औरत को इस घर में रहने के लिए नहीं दिया जाता, जिसने इस घर को बदनाम के अलावा कुछ भी नहीं दिया। सागर, शशि भाभी की बात ना करो तो अच्छा है। सोनिया, तुम प्लीज अंदर चलो अभी। मैं क्यों अंदर जाऊँ? अरे कोई ऐसा भी करता है क्या जो मेरे साथ हो रहा है? और तुम
बैठी होके सिर्फ तमाशा देखते रहो, तुम कुछ नहीं कर सकते। बोलो तुम क्या चाहती हो, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। एक काम करो, साड़ी पहनो और अपनी बहन के पल्लू में चिपक के बैठ जाओ। जो पति अपने पत्नी का अधिकार नहीं दिला सकता वो कुछ नहीं कर सकता, वो अच्छा पति खिलाने के लायक ही नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ भी तो क्या करूँ, पर जिस तरह से तुम मुझे दोष दे रही हो ना, ऐसा लग रहा सारी की सारी गलती मेरी है। तो क्या गलती मेरी है? हाँ, तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की है। कितनी बार तुम्हें समझाया, सुनिए ये मत करो, सुनिए वो मत करो, पर नहीं, तुम अपनी मनमानी से बास कहाँ होगी। अब जो बोया है ना उसको भुगतो। हाँ, तभी तो भुगतने के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें यहाँ बाहर खड़े होने के लिए किसी ने नहीं कहा है, तुम अपनी मर्जी से खड़ी हुई हो। देखो सोनिया, अभी वक्त है, सुधर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब तुम्हारा, सुधर जाओ? क्या सुधर जाओ, मैं बिगड़ी हुई हूँ? सागर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काबिल नहीं हो, प्लीज यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हनी, ससुराल लौटने के बाद नींद आई कि नहीं आई? मुझे तो बहुत बढ़िया नींद आई, लेकिन आपकी आंखों को देखकर लग रहा है कि आपकी नींद उड़ चुकी है। जब इतना गलत हो रहा है तो फिर नींद कैसे आएगी हमको? अरे आपके साथ क्या गलत हो रहा है? हमारे साथ नहीं, हमारी बिटिया के साथ। मुझे तो नहीं लगता उसके साथ कुछ गलत हुआ। अपने ईमान से पूछो कि क्या गलत हुआ है। हमारी बिटिया इस घर की पतोहू है और तुम उकरे हक पे डाका डालने आई हो। मुझे तो नहीं लगता मैंने किसी के हक पे डाका डाला। तो फिर काहे के लिए हमारी बिटिया को कमरे से बाहर कर दी और खुद महारानी जैसे पलंग पे पसर के सो गई, हा? और हमारी बिटिया को नौकरानी बना दिया। पहले आपकी बेटी इस घर की बहू तो बन जाए ठीक तरीके से, फिर उसे इस घर की रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे जाओ जाओ, हमार बिटिया तो यही घर की बहू तभी बन गई थी जब सागर बाबू ने उखरी मांग भरी थी। तुम कौन हक से यहाँ आई हो? अरे तुम्हारा तो कोनो हक ही नहीं बनता। अरे मैं तो मामा जी और नंदनी से मिलने आई हूँ। मिलने आई थी ना, मिल ली ना, तो अब जाओ यहाँ से। जाने तो वाली थी, लेकिन तभी मुझे आप लोगों की चाल समझ में आ गई। कौन सी चाल? यही कि नंदनी को किसी तरह रास्ते से हटाकर आप लोग इस घर पे कब्जा करना चाहते हैं और इस घर को नीलाम करना चाहते हैं। यही थी ना आप लोगों की चाल? लेकिन मैं अपने जीते जी इस घर को कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि इस घर से मेरी भी कुछ यादें जुड़ी हैं। मेरे जीते जी ये घर बिक नहीं सकता। बेचो चाहे नहीं बेचो, पर हमारे दामाद जी का और हमारी बिटिया का हिस्सा दे दो बस। देखिए, हिस्सा मांगने की बातें आप नंदनी से कीजिए, और जहां तक रही बात आपकी बेटी की इस घर की बहू होने की, तो उसे तो मैं सिखाऊंगी कि घर की बहू कैसे रहती है। अब तुम यहां क्यों खड़े हो, जाते क्यों नहीं? सुनिए, तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूं? प्लीज यहां से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, शायद मेरा दिल कुछ हल्का हो जाए। तो क्या बातें कर रही है? मैं हूं ना, मुझे बताओ क्या बात है, शायद मुझसे बात करके तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। सागर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। सुनिए, इस तरह कैसे चलेगा? अरे यार, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, ये तुम्हें हो क्या गया? ये तुम सोचो कि मुझे क्या हो गया। अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि पता नहीं इस घर में मेरे साथ क्या क्या होगा। सुनिए, जरा सी बात को इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है कि बाद में उसको संभालो तो समझने में ना आए। बात तो बढ़ चुकी है सागर, इस घर में मेरा रहना बहुत मुश्किल है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। जाओगी कहाँ, कोई ठिकाना है? ठिकाने की तो तुम बात ही मत करो, कहीं भी चली जाऊंगी, कम से कम इस बेइज्जती से तो बचूंगी। कहाँ जाऊंगी, जरा मुझे भी तो पता चले। कहीं भी सागर, कहीं भी, किसी आश्रम में चली जाऊंगी, सड़क पर बैठकर भीख मांग लूंगी, लेकिन इस घर में मैं नहीं रहूंगी। ऐसा क्यों कह रही हो सोनिया? क्योंकि इस घर में मुझे वेस्ट मटेरियल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कभी लात मार के इस कमरे में कर देते, कभी उस कमरे में कर देते। मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो ये लोग डिसाइड करें कि मुझे कहाँ रहना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। सोनिया प्लीज मत जाओ, मेरा हाथ छोड़ो सागर, छोड़ो मेरा हाथ। सोनिया देखो, तुम चली जाओगी तो सब बिगड़ जाएगा, तुम यहाँ रहोगी तो कुछ रास्ता निकल जाएगा। सोनिया प्लीज मत जाओ, सोनिया प्लीज बात को समझो। नंदनी।
कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? अभी कैसी बातें कर रहे हो? आपके आने के बाद तो मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं तो मैं तो एकदम अकेली पड़ गई थी। इन लोगों के बीच मेरा दम घुटने लगा था। लेकिन अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, अब आप आ गई हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अब इन लोगों को समझ में आएगा कि जबरदस्ती दूसरों पर हक जताने का नतीजा क्या होता है। नंदिनी, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। खैर ये बताओ कि डीएम साहब का क्या हाल है? आपको अचानक डीएम साहब की याद कैसे आ गई? अरे उनकी पोस्टिंग यही है ना? नहीं, उनका ट्रांसफर हो चुका है। ट्रांसफर? वो कब हुआ? यही 6-7 महीने हो गए। तो उसके बाद उनका इधर आना तो होता होगा कभी? नहीं, उन्हें अपने काम से फुर्सत कहाँ मिलती है। बातचीत तो होती होगी। बातचीत का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी अलग है और उनकी जिंदगी एकदम अलग है। अरे शुरू शुरू में ऐसे ही लगता है, दोनों अलग अलग ही लगते हैं। पर तुमने कभी बात करने की कोशिश की? आप कहाँ इन सारी बातों में पड़ गई भाभी, मैंने कहा ना कोई फायदा नहीं। मुझे तो लगा था कि जैसे तुम दोनों के बीच कुछ। क्या लगता था? मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच कुछ है जो तुम दोनों को करीब ले आएगा और तुम दोनों एक हो जाओगे। नहीं भाभी, हर किसी की जिंदगी में किसी का साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम दोनों नदी के दो किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते। अचानक डीएम साहब की याद कैसे आ गई? अरे उनकी पोस्टिंग यही है ना? नहीं, उनका ट्रांसफर हो चुका है। बातचीत तक तो कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी अलग है और उनकी जिंदगी एकदम अलग है। हर किसी की जिंदगी में किसी का साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम दोनों नदी के दो किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते। नंदिनी का अकेलापन मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। अकेला होना वो उसे महसूस करना ही कितना डरावना होता है। तुम बहुत हिम्मत वाली हो नंदिनी। आपने एक बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी चीज़? क्या आप सच में शादी करने वाले हैं? आपकी जिंदगी में कोई है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल मुझे याद आ रहा। तुम मुझसे ऐसे बेवफाई नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे लिए इतना लंबा इंतजार किया और फिर ये सब। देखो मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी और को नहीं आने दूंगी। मैं खुद को खत्म कर लूंगी। क्या झूठ है क्या सच मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मीनू के अपने इमोशंस हैं और कोई भी लड़की इतना बड़ा ड्रामा क्यों करे। मैं कितना उलझ गया मुझे ही नहीं पता चल रहा वो सच क्या है जो नंदिनी को समझा सके, जो मेरे वजूद को मुकम्मल कर सके। ये किस मुकाम पर लाई है जिंदगी मुझको। मैं अपने आप से मिलता हूं अजनबी की तरह।